नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदित सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों, आपको पता है कि कैसे जो है एक वीडियो हमारी जो तेज़ी से वायरल हुई थी, पहले कई ड्राइवर भाइयों के कमेंट आए थे कि ऐसे ट्रक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पूरी वीडियो रहेगी खास, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। कितनी रहेगी सैलरी, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग होती, कैसे मिलता है इसका लाइसेंस, पूरी वीडियो होगी। हमारे साथ में आज जो ट्रक ड्राइवर भाई मिल चुके हैं, पंजाबी वीर जी, अपने पूरे पंजाब के ही ट्रक चलाते हैं। जो ट्रक ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कंपनी के अगेंस्ट है, इसलिए हम ट्रक ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखा सकते। क्या नाम है जी सबसे पहले? जी नाम गुरचरण सिंह संधू। अच्छा, गुरचरण सिंह संधू जी, सर कैसे गाड़ी आपने पकड़ी है, कैसे इसका लाइसेंस मिलता है, क्या है पूरी प्रोसेस इसमें? क्या जी, लाइसेंस तो वो पहले वाला ही है जो आम गाड़ी पे चलता है। हाँ जी, इंडिया। हाँ जी, वही चलता है। हाँ जी, पर इसके लिए ट्रेनिंग अलग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कहाँ ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है एक हफ्ते की होती है, और बेंगलोर में होती है ट्रेनिंग। अच्छा, बेंगलोर में होती है। हाँ जी, बेंगलोर में। तो सर, अपना ट्रेनिंग के दौरान मान लो कोई नॉर्मल ड्राइवर है, जैसे अनपढ़ ड्राइवर, वो क्या ट्रेनिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? वो इसलिए वो कर पाएगा जो जिसने पहले ट्रेलर चला रखा है। अच्छा, ट्रेलर चला रखा है, इसमें क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर? ना ना, उसमें नहीं है। वो है हाई स्कूल पास होना चाहिए, हाई स्कूल टेंथ होनी चाहिए। टेंथ होनी चाहिए। देखो भाई, दसवीं पास जरूरी है ऐसी अगर गाड़ी चलानी है। हाँ जी, और ट्रेलर का ड्राइवर हो, कम से कम 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रेलर का ड्राइवर जरूरी है इसमें, और 4 साल का एक्सपीरियंस भाजी बोल रहे सर। और भी जैसे वहाँ पे क्या टेस्ट करने पड़ते हैं? और तो कोई नहीं है जी, और सारा नॉर्मल ही है वहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली गाड़ी चला के देखते हैं। हाँ, गाड़ी उन्होंने बताते हैं पहले 3 दिन बाद, उसके बाद ट्रायल होता है, फिर लास्ट में रिजल्ट होता है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, कोई फेल भी होता है बंदा मान लो वहाँ पे? फेल भी होते हैं। अच्छा। हाँ, जो नहीं पास हुए तो फेल करेंगे, कंपनी करती है उनको। अच्छा, जो खर्चा है वहाँ जाने का कौन करता है? तो कंपनी ने करवाया सारा, डिलीवरी नहीं। अच्छा, डिलीवरी कंपनी। सर, कहाँ की कंपनी है, कहाँ इसका ऑफिस है? इसका ऑफिस है गुड़गांव में जी, ताबड़ू में। अच्छा, ताबड़ू में इसका ऑफिस है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी गाड़ियां सर इस कंपनी के पास में? अभी तो 200 के आसपास है कंपनी की निजी गाड़ी अपनी। सर, देखा जाए रोड के ऊपर गाड़ी आपकी ही दिखती है, दूर से पता लगता है डिलीवरी वाली गाड़ी आ गई सर। हाँ जी, इसमें क्या है ना, 100-125 गाड़ी के आसपास वेंडर ने डाल रखी है। अच्छा, जो कॉन्टेक्ट? हाँ जी, कॉन्टेक्ट पे 200 गाड़ी कंपनी की अपनी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, ऑल ओवर इंडिया हर जगह से माल उठाते हैं ये? पूरा इंडिया में ही है, गुवाहाटी से लेके इधर कोयम्बटूर, चेन्नई, कलकत्ता, पूरे इंडिया में ही है जी। क्या माल रहता है इस गाड़ी में जो इतनी फास्ट सर्विस है? इधर कोरियर का ही है सारा सामान। अच्छा जी, मान लो दिल्ली से सर कहाँ कहाँ चलते हैं, चेन्नई का कितना टाइम देते हैं? 54 घंटे का। 54 घंटे? 54 घंटे लास्ट टाइम गाड़ी तो 50 घंटे पहुँच जाती है। अच्छा सर, पहुँच जाती है? हाँ जी, 50 घंटे। और सर, कितनी माइलेज कर देती है गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी? अभी 4.5-5 की एवरेज देती है। 4.5-5 की एवरेज। हाँ जी सर, यानी कि ये कितने करोड़ का ट्रक है ये, अगर देखा जाए सर? ये अगर प्राइम का रेट होगा इसका, 1.25 करोड़ है। सवा करोड़? हाँ जी, और 35 लाख की ट्रॉली है। अच्छा, 35 लाख की ट्रॉली। सर, वजन कितना रहता है इन गाड़ियों में? इनमें होता है जी, पूरी पासिंग इसकी जितनी है उतना तो नहीं होता। हाँ, मगर 20 टन के आसपास होता है, 15 से 20 टन माल होता है ट्रॉली के अंदर। अच्छा, पासिंग कितनी है सर इसकी? 50 टन की पासिंग है। अच्छा, 50 टन की पासिंग है, 20 टन ही माल। अमेरिका बन गया सर ये तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैंने सुना था कि अमेरिका में ऐसे ट्रक चलते हैं, वहाँ पे भी 20 टन की ही पासिंग है जो गाड़ियों की, अगर ट्रेलर देखा जाए। सर, ट्रेलर 56 फुट है? नहीं, ये 48 फुट ट्रॉली है। 48 फुट ट्रॉली? हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा दोस्त रहता है अमेरिका, बलराज शर्मा, उनके पास भी वोल्वो का ट्रक था। तो ये वोल्वो का सर क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, बाहर से आता है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो यही है, बस माल इसका सारा बाहर से आ रहा है। बाहर से? हाँ जी, हाँ जी, बाहर से। टोटली? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, कंपनी, अगर हमारे देश के ट्रक ड्राइवर सुन रहे हैं, तो कंपनी सर सैलरी कितनी देती है? सबसे सैलरी कितने घंटे आपकी ड्यूटी है कंपनी में? क्या ड्यूटी तो अभी 24 घंटे समझो आप। अच्छा, जब तक हमारा ट्रिप पूरा नहीं होता, हम गाड़ी चलानी ही 5 घंटे रेस्ट करेंगे, 5 घंटे गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, डबल ड्राइवर? हाँ जी, डबल ड्राइवर। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सैलरी सर? सैलरी 40,000 है जी। अच्छा, 40 एक बंदे की? हाँ जी, एक की है। अच्छा, 280,000 रुपये हो गया। हाँ जी, शुरू में क्या, जो ट्रेनिंग करके आएगा उसकी 3 महीने में तो वही 26,000 के आसपास आती है। अच्छा जी। हाँ जी, 30,000 सैलरी होती है, पीएफ काट के 26,000 देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, क्या मैं भी ट्रक चला सकता हूँ आपके वाला? क्यों नहीं, जो जिसके पास लाइसेंस है ट्रेनिंग करके, कौन नहीं, सभी चला सकते हैं। देखो भाइयों, ट्रक ड्राइवर भाइयों, कमी कहीं नहीं। आप दवाई मस्कड़ जा रहे 4-4 लाख रुपए सर लसांसों पे, हमारे पंजाब के ट्रक ड्राइवर लगा रहे, वहाँ पे भी 30 से 40 हजार कमाया जा रहा है सर। उनके लिए एक संदेश दे दो। नहीं, बढ़िया है, यहाँ पे रुपया किलोमीटर देते हैं जो टाइम का और एवरेज का, 1 रुपया किलोमीटर भी देते हैं। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया जी। हाँ जी, हाँ, कोई परेशानी नहीं है। मान लो 4,000 किलोमीटर आप ट्रिप मार गए 50 घंटे में, तो 4,000 मिल गया। हाँ जी, तो ये लग गए सर 40,000 से बीच में ही? नहीं, वो अलग है, वो तो डेली का जैसे जाएंगे तुरंत जाते मिल जाने हमारे को। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा कुछ नहीं।
सर और भी कोई कमी पेशी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरटीओ की दिक्कत तो आपको भी ना आरटीओ की दिक्कत होती है, वो एमपी में तो हर आदमी को दिक्कत है, वहाँ तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे जाम में रहते हैं, सभी जाम में रहते हैं। हाँ, मैंने देखा सर वहाँ फंसे रहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी आरटीओ को शर्म आनी चाहिए यार, करोड़ों रुपए की गाड़ी डाल कर वहाँ तो परेशानी हो जाती है। कंपनी वाले कुछ एक्शन नहीं करते ऐसी आरटीओ के ऊपर? कंपनी वाले कुछ नहीं बोलते, बोलते जैसे दूसरी गाड़ियाँ आ रही है ऐसी एंट्री तुम भी दे के तुम भी चलते रहो ये है। हाँ जी, अच्छा ये हाँ जी। तो सर गाड़ी एक बार भाई की दिखा देता हूँ, दूर से 48 फुट ट्रेलर है सर, डबल टैंक है इसमें जो कंपनी फिटेड। सर इसका भी चलान तो नहीं करते डबल टैंक? नहीं नहीं, ये कंपनी फिटेड है सारा, ये स्वीडन से ही ऐसा आ रहा है, यहाँ से इंडिया से नहीं है, स्वीडन स्वीडन ट्रक है। हाँ, स्वीडन ट्रक है जी। ये स्वीडन ट्रक है भाई, अमेरिका का ट्रक बिल्कुल ही, कई भाइयों के कमेंट भी आते हैं अमेरिका का है कोई, स्वीडन स्वीडन सर कहाँ पड़ जाता है ये भी? अब उधर ही बाहरी है वो। हाँ जी बाहरी है। हाँ जी, वोल्वो स्वीडन की ब्रांड है ये, हुई एक स्कैनिया हुई, ये भी वहीं की है। अच्छा स्कैनिया भी वहीं की है ना। हाँ जी हाँ जी। तो सर और भी हमारे देश के ट्रक ड्राइवरों क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, संदेश क्या देना चाहते हैं कि तो ये कि अच्छी गाड़ी है, बढ़िया आराम से चलाने वाली, आराम जी। वोल्वो कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, अच्छी सैलरी भी है, इज्जत भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे देश के जो ट्रक ड्राइवर विदेशों में जाते हैं, चार चार लाख रुपए लाइसेंस पे लगाते हैं, यहाँ कंपनी खुद आपका लाइसेंस बनाएगी, बंगलोर में ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें आपको हम जो बारीकी से बता दिया है, कुछ चीज़ें जो छूट गई हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर, इसी तरह हम देश में लगातार आप लोगों को खबर दिखाते हैं। अगर हमारा काम अच्छा रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।